नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है वर्तमान समय में, उसमें आरआरबी ने कुछ इंस्ट्रक्शन के लिए आप लोगों को न्यूज़पेपर में ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है। हालांकि एडमिट कार्ड के साथ जो नीचे वाला पेज होता है उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बट होता क्या कि स्टूडेंट वो डाउनलोड करवाते नहीं हैं। ठीक है, पहला पेज ही निकलवा लेते, बट वहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल हैं, ठीक है, वो आभूषण पहनकर ना आए। ठीक है, और यहाँ पर दिया भी गया है कि महिला अभ्यर्थी जो है आभूषण पहनकर परीक्षा में शामिल ना हो, बोर्ड की ओर से हाथों में मेहंदी। देखिए, मेहंदी से होता क्या है कि जब आपका बायोमेट्रिक होता है वो आपका अंगूठा या जो भी आपकी फिंगर होती है वो उसमें आता नहीं है। ठीक है, जिसमें आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, कम से कम एक हाथ में आपका बिल्कुल साफ रहना चाहिए। ठीक है, अगर मेहंदी है तो एक हाथ में हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हो सकता है कि आप किसी भी हाथ में मेहंदी लगाकर ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम होता है। और दोस्तों, जो भी आपके आभूषण हैं वो देखिए, आप उस यहाँ पर ये भी दिया गया, कुछ पेरेंट्स ने जो था उनका उनसे जो है कुछ बहस भी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने आरआरबी वालों ने ये उनको दिखाया, देखिए एडमिट कार्ड के नीचे ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको ये सब कुछ पहनकर नहीं आना है, तब वो लोग माने थे। ठीक है, तो गलती आरआरबी वालों की नहीं है, क्योंकि वो आपको पहले से इंस्ट्रक्शन दे रही हैं तो आपको ये पहनकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट भी जो भी हाथों में ब्रेसलेट होते हैं, रिंग होती हैं, वो पहनकर ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर जाके आपको सारी वो उतारनी ही पड़ेंगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप लोग घर से पहनकर ना जाएं। ठीक है, जिससे कि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। बस ये थोड़ी सी जानकारी थी फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बैग में कुछ वैल्यूएबल थिंग्स रखना हमारे हिसाब से सही नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ चोरी का डर हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है कोई भी ऐसी चीज़ लेकर ना जाएं जो थोड़ा कीमती हो, क्योंकि वहाँ पर आपको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, और ये पूरी न्यूज़ है दोस्तों, आप चाहो तो इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये आज के ही न्यूज़पेपर में अमर उजाला में। ठीक है, तो ये थोड़ी जानकारी थी दोस्तों। और हाँ, यहाँ पर दिया गया कि जो उपस्थिति थी, जो अटेंडेंस है दोस्तों, वो 72-75% के आसपास रह रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देने नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्या कारण है वही लोग जाने, एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं या किसी कारणवश उनका एग्ज़ाम छूट रहा है। ठीक है, तो उपस्थिति भी कम हो रही है, जल्द आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम देने जाएं। ठीक है, क्योंकि पेपर भी काफ़ी ईजी आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ जानकारी थी, मैंने आपके सामने शेयर किया, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। और एग्ज़ाम जाने के बाद कोई भी ऐसी चीज़ पहनकर नहीं जाएंगे जो भी आपको वहाँ पर अपशब्दा का सामना करना पड़े। ठीक है, ऑल द बेस्ट।